गुड आफ्टरनून, दोपहर के बजे हैं। तो स्वागत है आप सभी का प्रयागराज की प्रिया पिसा चैनल में। तो मैं हूँ प्रिया। तो यूपी टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया कि यूपी टेट होने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ 4-5 अप्रैल में पता चल जाएगा कि डेट उसका रिवील हो जाएगा कि कब होगा पेपर। और यूपी टेट मैं सेकेंड टाइम दूँगी, और लास्ट ईयर मैंने दिया था 2022 में, जनवरी 2022 डेट भी 22 जनवरी 2022 को दिया था। और अभी 23 में होगा यूपी टेट, और मैं सेकेंड टाइम यूपी टेट दूंगी। और पहली बार मैं नहीं पास हुई मैं, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं क्वालिफाई हो जाऊं, क्योंकि होना ज़रूरी है, नहीं तो आगे मैं सुपर टेट नहीं दे सकती हूँ। तो तैयारी तो अभी कुछ भी वैसा खास नहीं है, लेकिन क्लासेस में देख लेती हूँ ऑनलाइन कभी कभी, और बहुत कुछ सुनने को मिलता है। एक ही बार मैं फेल हुई, लेकिन सुनने को इतनी बार मिलता है कि कुछ नहीं होगा तुमसे, तुम नहीं कर सकती हो। बट कोशिश ये होगा कि मैं इस बार क्वालिफाई हो जाऊँ। जो 90 नंबर का जो टारगेट है पास होने का, जो एक रखा गया है कि आप एक मानक है 90 नंबर की, इसको इतना लाना है और आपको यूपी टेट क्वालिफाई होना है, तो वो मैं गई। तो मैं गुरुजी वर्ल्ड ऑनलाइन कोचिंग से ही देखती हूँ, वो फ्री का पढ़ाते हैं। उनकी हिंदी कमाल की रहती है, अगर आपकी हिंदी बहुत वीक है तो उससे आपकी हिंदी में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और वैसे सारे सब्जेक्ट्स उनके हमको ठीक लगते हैं, मैं उन पढ़े था, और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था फर्स्ट टाइम। प्रेगनेंसी की वजह से मुझे बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरा डिलीवरी 26 फरवरी को हुआ था, और मैं 22 जनवरी को पेपर देने गई थी। यही बहुत बड़ी बात है, और मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट था, फिर भी मैं सीढ़ी पे चढ़ के सेकंड फ्लोर पे मैं पेपर देने गई थी, और मैं पॉजिटिव थी शायद, कोरोना मुझे हो भी गया था। और उस टाइम बहुत कोरोना बहुत ज़्यादा सबको, मेरे आगे बैठा था लड़का, उसको कोरोना था, इतना खांस रहा था कि मेरा सारा दिमाग उसी पे था, और मेरा सारा दिमाग मेरे बच्चे पे था, प्रिशा पे था। प्रिशा तब तो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन यही रहता था कि बच्चे को कुछ हार्म ना हो जाए, लेकिन सब इतना प्रेशर था कि नहीं जाओ पेपर दे के आओ। सिर्फ पापा भी मेरे कह रहे थे घर पर, और यहाँ से भी था कि नहीं पेपर दो यूपी टेट। और फर्स्ट टाइम 2019 का जब मैंने अप्लाई किया था, तो मैं नहीं दे पाई थी वो एग्ज़ाम मेरा, और फिर ये मैं थर्ड टाइम अप्लाई करूँगी, लेकिन एग्ज़ाम मैं दूसरी बार दूँगी। तो इस बार कोशिश रहेगी पास होने का। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वीडियोस बनाती है, कभी कुछ लाइफ में नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं एक बार अनसक्सेस फुल हुई हूँ तो हर बार मैं अनसक्सेस ही होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि इस बार मैं यूपी टेट क्वालिफाई हूँ। तो आप लोग भी अगर जो यूपी टेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए यूपी टेट देने के लिए। यूपी टेट 2023 जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब होने वाला है। तो और इससे मैं अपने नोट्स भी आप लोगों से शेयर करूँगी, अभी मेरे पास नहीं है, सब घर पर छूट गया था उस टाइम, वहीं पर था, तो अभी मैं मंगाई हूँ उसको, आ जाएगा तो मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगी। मैंने खुद से नोट्स प्रिपेयर किया था गुरुजी वर्ड की कोचिंग से, देख देख के मैं खुद सब बहुत मेहनत किया था, इतना मेहनत किया था, लेकिन मैं सेकंड पेपर में पास थी, लेकिन मेरा ऊपर का फिल करने का कुछ गलत हो गया, तो इससे मेरा पूरा नंबर 0 हो गया था। उसमें मैंने 102 स्कोर किया था, बट और फर्स्ट पेपर में मुझे 73 नंबर मिले थे, और मुझे चाहिए 90 नंबर पास होने के लिए, जनरल कैटेगरी को, OBC को 82, और जो SC ST आते हैं उनको 75। तो मुझे 90 नंबर चाहिए, और मुझे मैंने स्कोर किया था फर्स्ट पेपर में 70 थी, और सेकंड में 102, बट सेकंड पेपर मैंने में फिल करने में ही कुछ गड़बड़ कर दिया, जिससे मेरा सारा नंबर 0। ऐसा 1000 बच्चों के साथ हुआ था, वो उस 1000 में से मैं भी एक थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार दिमाग सब कुछ ऐसे एकदम करके जाना है, और अच्छा से पेपर देना है, और फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई होना। मैं एक पेपर भी पास हो जाऊँगी ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत सुन चुकी हूँ अपने पढ़ाई से रिलेटेड, इतना सुनी हूँ कि मुझे इस बार बस फेल होना। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, उनसे बहुत इंस्पायर्ड भी हुई हूँ, इस बार मुझे पास होना है यूपी टेट क्वालिफाई। इतनी बार नहीं दिया है कि लोग मुझे सुनाए एक ही बार ना देने से, की वजह से ये नहीं कि मुझे आता नहीं, मैं पास नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये कि मैं थोड़ी केयरलेस हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर, थोड़ा सा अवेयर हूँ। अवेयरनेस होनी भी ज़रूरी है, कि अगर इतना सारा पैसा खर्च किया पढ़ाई में, तो और अभी एज भी है, लेकिन ये नहीं सोचूंगी कि अभी 28 की हूँ, 29 की हूँ, तो अभी 11 साल है मेरे पास 40 होने में, तो 40 तक तो नौकरी मिलेगी, लेकिन जितनी जल्दी मिल जाए अच्छा है।
तो कोशिश यही रहेगी। तो और मैं वीडियोस भी शॉर्ट्स में शेयर करूँगी अपनी नोट्स वगैरह कि मैंने किस तरीके का लास्ट टाइम कैसे प्रिपेयर मैं हुई थी। बहुत प्रिपरेशन किया था, वही मैं सोचती हूँ अगर इतना शायद मैं और पहले किया होता तो शायद मैं क्वालिफाई हो गई होती। बट कुछ नहीं, ऐसा नहीं जब मतलब होता है। तो चलिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।